रतलाम जिले के आलोट के शासकीय महाविद्यालय में महापुरुषों की तस्वीर लगाने के मामले को लेकर भाविप और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच महाविद्यालय में जमकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करवाया। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आलोट पुलिस थाने पहुंचे। थाने पर एनएसयूआई के समर्थन में कांग्रेस नेता थाने पहुंचे और पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस नेता भी थाने आए, जिसके बाद परिसर में माहौल गर्मा गया। विवाद में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोट भी आई है। आज दोपहर 2 बजे करीब आलोट के शासकीय महाविद्यालय में अभाविप और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में कॉलेज में महापुरुषों की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पत्थर फेंके जाने लगे। दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच छाथापाई भी हो गई। इस विवाद में दोनों पक्ष के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इस विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को अलग करवाया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस थाने में भी दोनों पक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गए, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने हटाया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के नेता भी थाने पहुंच गए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को लेकर कांग्रेस नेताओं की पुलिस कर्मियों से बोलचाल हो गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता और बीजेपी वाले पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। कांग्रेस नेताओं को किसी तरह थाने से रवाना किया गया। आलोट पुलिस थाने में इस तरह से दोनों ही दल के नेताओं का हंगामा करना चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नाम है आपका? महिपाल सिंह सोलंकी है, मैं अध्यक्ष हूँ। क्या मामला हुआ था? मामला था एडमिशन प्रक्रिया के लिए मैं कॉलेज में गया, वहाँ पर प्राचार्य से मिलने गया था। वहाँ पर दिलीप सिंह डोडिया जो पूर्व जिला संयोजक है, उसके साथ 2 आदमी फुल नशे में वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर एबीपी के जो जी संगठन के जो हैं वो परोक्ष भरावा, वो राहुल सोलंकी और ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, योगेश परवाल। और ये हमारी कुछ वहाँ पर एडमिशन को लेकर बोलचाल हुई, उन्होंने गाली गलौज करी, हमने भी जैसे करी। बीच में आधा पाई में उन्होंने, इसमें से योगेश परवाल ने मेरे ऊपर दूर से ईंट से प्रहार किया, इससे मेरे को चोट आई। अब आप क्या कर रहे हैं? थाने में हमने उसकी FIR करी है और FIR के तहत देखते हैं अब क्या होता है आगे। जैसे क्या कुछ प्रकरण हुआ है? थाना अलोट क्षेत्र में एक पोस्टर को लेकर दो छात्र संगठनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद के बाद में चूंकि उनमें हल्की फुल्की झड़प हुई और उसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। थाने में जब उनका मेडिकल करवाया गया तो एक पक्ष को जहाँ चोटें थी उनकी तरफ से FIR की है और दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी, जिसके लिए उन्होंने शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। कई लगे हुए जहाँ ये घटना हुई उस आधार पर कार्रवाई आगे पहुंची। वो सारा हम लोग वीडियो कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई साक्षात है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें।